जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राजा रुमोज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बहुत कम दोस्त जो है ना वो ऐसी वीडियो बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी के राजा रुमोज से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बल्कि एक उनको प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मुख्तलिफ वीडियो इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर ऐसी वीडियो कोई दोस्त नहीं, कि बहुत कम दोस्त हैं जो लेके आते हैं कि अगर आपको बच्चे लेने पड़े किसी दोस्त से तो वो किस तरह के बच्चों की आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमने वहाँ से बच्चे लिए तो उसका ये रिज़ल्ट आया वो आया, इस तरह की बातें करते हैं। तो आज मेरे घर में ये सलारे टैडी कबूतर, जिसे इंसान टैडी भी मैं तो कहता हूँ, इंसान टैडी कबूतरों के ये दो बच्चे आज आपको दिखाऊँगा। और इनके परों की पोजिशन, इनके जिस्म की पोजिशन, इनके पंजों की पोजिशन, ये सब कुछ आज आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आए फिर ज़रा शौक करते हैं बच्चों का। ये मेरे घर के बच्चे, मेरे घर में ही निकले हुए ये बच्चे हैं, इनका आज आपको शौक करवाने लगा। ये लें दोस्तों बच्चे, अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अभी पर भी पूरे नहीं किया हुआ, तो मैंने कहा ये वीडियो बना दो क्योंकि दो तीन माह के बाद जोड़े लगाए हैं। वीडियो का जेन में पहले ही था, तो आज जो है ना वो ये बच्चे बाहर आ गए हैं खुडे से, तो मैंने कहा पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दो। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी से बच्चे ख़रीदें तो बाज़ुकात ये होता है कि बच्चों की आँखें क्लियर नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ आँखों के अलावा बाकी चीज़ें तकरीबन क्लियर हो चुकी होती हैं। जब बच्चे खरीदे तो चंद एक चीज़ों का ख्याल रखें। अब ये मेरे बच्चे की आप आंख देख रहे हैं, पूरा राउंड जिसे कहते हैं, ये हमारे इंसान टैडी कबूतर है मियाँ नज़ीर साहब वाले। ठीक है, तो इस बच्चे की आंख के अंदर सबसे पहले तो आंख की बनावट चेक करें, माशाल्लाह कैसी शानदार इसकी आँख की बनावट है। इस वक्त बड़े अच्छे और शानदार मेरा पेयर है, ये मियाँ नज़ीर साहब के घर से ही आए हुए इनके वालदैन। ये दोस्तों आप चेक करें सबसे पहले कि बच्चे की आँख के अंदर पानी कितना ज़्यादा, ये ग्रीसीपन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप किसी से बच्चे लें तो क्या सिलेक्शन करें कि उसकी आँख का ग्रीसीपन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों इसकी पलक देखें, बहुत ज़्यादा जूम इन, मैंने फुल जूम इन किया हुआ इस वक्त कैमरा, तो फिर आप इसकी पलक देखें, पलक बिल्कुल बारीक है, पलक के ऊपर जो डार्ट्स हैं वो बिल्कुल मैनेजेबल, मतलब एक तरीके से मैनेज किए हुए जैसे रब ने बड़े तरीके से बनाए हों। ठीक है, इसके अलावा इसकी ऊपर वाली पलक देखें, अभी देखिए इसके रिंग जो है ना वो बचपन में सारे क्लियर, माशाल्लाह हल्के से ज़र्रात रखेंगे ये कबूतर बच्चे। अब ये ज़रा परों का शौक करें दोस्तों, परों का शौक करवाता हूँ आपको। ये देखिए ये भी बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, अभी खुड्डों से बाहर आए, तो मैंने कहा आज पहले दिन इसकी वीडियो बना दो। ये मैंने इन बच्चों के परों की तरतीब देखे, बच्चा पर है जिसे अंडा पर कहते हैं, उसके बावजूद भी इनके परों की तरतीब देखे, माशाल्लाह कैसी है। बगल देखें, बिल्कुल बड़ी बगल है जिसम, ये देखे मैं पर खोलता हूँ तो जिसम के ऊपर जा रही है, बगल को, बगल जो ना जिसम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, ये देख सकते हैं। ये बगल का ख़ास ख्याल रखा करें, ये देखें मैंने पर बंद किया तो बगल की ये पोजिशन है, सारी इकट्ठी हो गई है, ये अच्छी बगल की ये निशानियाँ थी। ये रिपीट करूँ, ये देखिए पर बंद है तो
पर बंद के बावजूद ये बगल का इकट्ठा हो जाना, ये देखें ये इनकी लेंथ ये यहाँ तक आ रही है। ये अच्छे कबूतर अच्छे बच्चे की निशानी होती है। ये मेरे इंसान टैडी कबूतर हैं, उनका आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा परेल देख लें, परों के अंदर चमक देख लें, पर देखें जो अंडा पर हैं उनकी तरतीब देखें, और ये नामा दसवां और आठवां पर देखें बराबर हैं, और जो नामा नामा पर है वो बड़ा है, ठीक है। ये देखें, ये ज़रा दूसरा पर भी चेक कर लें, ठीक है। ये पट्ठा है, ये पहली कली। वैसे मेरे बच्चे अमूमन खुदों के अंदर ही जो है ना वो पर जो है ना वो गिरा देते हैं। ये माशाल्लाह दो पर का हो गया, ये बच्चा अभी खुडे से बाहर आया तो दो पर का हो चुका है। मतलब अच्छी पलाई हो तो बच्चा पहले पर झाड़ जाता है। अभी इसके बाहर वाले पर भी पूरे नहीं और दो कलियां फेंक गया हुआ, ठीक है। अब ये देखिए इस तरफ का पर देखे, मैं पर ये पर कैसे जिस्म के ऊपर जा रहा है, और ये बाहर की तरफ निकलता हुआ पर। बगल देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार है, पर देखिए माशाल्लाह। ये अच्छे बच्चे की निशानी होती है। यहाँ पे इनके बिल्कुल जिस्म नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे चिपकी हुई चीज़ होती है। जितने को बारीक हो सकते हैं वो ये वाला पट्ठा इनका उतना बारीक है। अब ये ज़रा दुम देखें, ये मैंने दुम अक्सर दोस्त कहते हैं भाई आप प्रोफेशन हो आप दुम पकड़ दो। ये मेरा बच्चा है, अभी पर भी बाहर के पूरे नहीं किए हुए, इसके साथ वाली पट्टी भी आपको दिखा तो बाहर के पर भी नहीं पूरे किए हुए, उसके बावजूद दुम देखें। ये देखिए अभी इसके जो लंगोट है वो निकल रहे हैं, बिल्कुल बच्चा पर है। और ये बड़े पर ये देखिए, ये लंगोट यहाँ तक आ भी चुके हैं, और उसके बावजूद ये दुम देख लें। इस दुम के बच्चे दोस्तों लिया करें जब भी लेने हो। उसके अलावा आँख मैंने आपको दिखाई, आँख का ग्रीसीपन होना बड़ा ज़रूरी, ठीक है। अब आ जाते हैं जिस्म की तरफ, ये देखिए मजबूत जिस्म के मालिक है। हड्डी इनकी बड़ी तेज़ है, ये आप हड्डी देख सकते हैं, बहुत तेज़ हड्डी के मालिक है ये मेरा पेयर। और मेरा मतलब बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे और रिजल्टेड गारंटेड है। ये मैंने जोड़ों के लिए रखे हुए, ये पेयर लगाया इसीलिए था क्योंकि जेन्युइन ओरिजिनल पेयर था, दोनों ही नर्मादा। तो ये अब पंजे देखें, अब पंजे देख ले। अभी से खुड्डे से बाहर आया, मतलब खुड्डे से बाहर आने का मतलब ये है कि खानों से बाहर आया, तो उसके बावजूद इसके जो पंजे हैं जामनी कलर में मजबूत पंजे, और इनके जो कट्स हैं उनमें क्रॉस बहुत कम है। माशाल्लाह अच्छे और रिजल्टेड बच्चे हैं, ये एक दफ़ा शो करें। अभी इसके साथ वाली पट्टी का भी आपको शो करवाता हूँ। ये दोस्तों अभी आपको जो पट्ठा दिखाया है ये उसके साथ ही निकला हुआ बच्चा पट्टी है, ये इसका भी शो करें। देखें कैसी बैलेंस, खूबसूरत होंगे, सलारे होंगे माशाल्लाह, क्योंकि जोड़ा लगाया ही मैंने इसी हिसाब से है कि ये सलारे बने, खूबसूरत बने, क्योंकि ये मेन ब्रीडर कबूतर है मेरे मियाँ साहब के घर से ही आए हुए। तो इनका आपको शो करवाता हूँ, ये आँख का चेक करें ज़रा, ये लें, ये ओरिजिनल टैडी कबूतर हैं दोस्त, कोई क्रॉस नहीं इनमें। इनके माँ बाप भी मेरे पास थे, मतलब बड़े, और आगे से सारा कुछ मेरे पास ही निकला, मियाँ साहब के घर से आए हुए। तो ये ज़रा आँख भी देखें माशाल्लाह, आँख के अंदर ग्रीसीपन देखें कितना ज़्यादा, आप आँख देख सकते हैं माशाल्लाह, देखिए कैसा ग्रीसीपन है इसके अंदर। ये देखें, ये वाली आँख भी देख ली, अब ये भी देख ली, इसमें भी ग्रीसीपन कितना ज़्यादा। नोक देखिए इसकी, माथा इनका बिल्कुल नहीं है, ये नोक आप देख सकते हैं, बिल्कुल माथा नहीं है इन कबूतरों का। इनकी चूँच देखें, चूँच की बनावट देखें माशाल्लाह, देखिए कैसे शानदार ये कबूतर है। ज़रा परों का शो करें, टैडी कबूतर जेन्युइन असल हालत में। उस पट्ठे के भी पर आपने देखे और इसके भी देख लें, देखिए बिल्कुल सीधे पर हैं ये दोस्तों। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मैं घर में करता भी हूँ, ये नहीं कि वो मैं आपको बताता कुछ और अपने घर में कुछ नहीं करता। ये आप देखें कि मैं जैसा पर कहता हूँ वैसा पर बना भी रहा हूँ घर में, ठीक है। ये जेन्युइन जेन्युइन टैडी कबूतर, कोई क्रॉस नहीं दूर दूर तक इनमें, ये जेन्युइन इंसान टैडी कबूतर है। पल्ले देखें इनके माशाल्लाह जी, ये बगल देखें कितनी बड़ी बगल है। अभी से पर देखें, परों की तरतीब देखें, ये देखें दसवां और आठवां पर बराबर, और नौवां पर पट्ठे का भी बड़ा था और इसका भी बड़ा।
ठीक है, ये देखें इसी तरह दूसरा पर भी देखें, माशाल्लाह जी, बगल देखें, पर देखें, ये अच्छा पर होता है। जब भी बच्चे लें इस तरह की दोस्तों खरीदारी करें, क्योंकि आप लोगों ने पैसे देने होते हैं।